उमरकोट में आने के बाद फिर हम अपना किराया के लिए यहाँ से अब रवाना हुए हैं। सुबह का वक्त है और यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा है, कोई है ही नहीं हमारे सिवा। और मुझे पहुँचना है एक स्टेशन जो कि यहाँ के सभी देहात वहाँ से चलती है, और छोटा शहर होने की वजह से ये स्टेशन माजी यादगार होता है। हम पहुंच गए हासीसर रेलवे स्टेशन जो पाक भारत बॉर्डर के करीब है, और यहाँ से ये तारीखी इमारत भी है इनकी, देख रहे हैं आप। ये तारीखी इमारत बहुत कदीमी है और ये उस वक्त कायम हुई जब राजा की रेल के नाम से यहाँ पर एक ट्रेन चला करती थी जो कि कोयले से चलती थी, और काफ़ी अरसा यहाँ पर वो चल रही थी क्योंकि फिर उसके बाद बॉर्डर बंद हो गया, तो खोखरा पार से मीरपुर खास के लिए यहाँ से ट्रेन चलती रही। और उसके बाद थार एक्सप्रेस शुरू हुई जो कि कराची से खोखरा पार होती थी, बंद हो गया है। तो अभी कुछ अरसे पहले मार एक्सप्रेस चल गई, ये खोखरा पार से हैदराबाद तक के लिए चलती है। सर स्टेशन एक में और जोधपुर तक जाती थी, इसीलिए इस स्टेशन को माजी की यादगार स्टेशन भी कहा जा सकता है। आसीसर छोटा स्टेशन सही मगर आवाम आज भी यहाँ से सफ़र करते हैं हैदराबाद तक के लिए, क्योंकि मुझे जाना है कराची और मैं यहाँ से हैदराबाद का सफ़र करूँगा। सुबह का वक्त है, 10-15 मिनट गाड़ी लेट है और मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा, गाड़ी आ चुकी है, हम इसमें अब सफ़र करेंगे हैदराबाद तक। और रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन भी आते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको वो हम दिखाएं। हम हैदराबाद पहुंच गए, अब कराची जाएंगे, कैसे जाएंगे आपको दिखाएंगे। हैदराबाद स्टेशन पर रेल कंटिन्यू, ट्रेन कब आएगी इंतजार है।